नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कुंभ वर्ष में मकर संक्रांति का पहला पर्व स्नान, कुंभ के ताल के रूप में स्नान मेला और झूला, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। उत्तर से दक्षिण तक आज त्योहारों का दिन, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई। उत्तराखंड में आज भी जारी रहेगी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, कल हुई वार्ता में नहीं बनी कोई बात। उत्तराखंड पहुंची कोविशील्ड की पहली खेप, देहरादून समेत 5 जिलों को भेज दी गई है वैक्सीन। बर्ड फ्लू को लेकर के उत्तराखंड पूरी तरीके से अलर्ट, 2 दिन में पोल्ट्री फार्मों से जांच के लिए भेजे गए 1100 सैंपल। उत्तराखंड में रोमांस के सफर को हो चुका है तैयार, ओली में फरवरी में होंगे विंटर गेम्स, खुलेगा ट्रेनिंग स्कूल। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुंभ वर्ष में मकर संक्रांति का पहला पर्व स्नान आज है बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की उम्मीद जताई जा रही है। कुंभ के ट्रायल के रूप में आज स्नान होना है, मेला और झूला पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेला और झूला पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कुंभ वर्ष में मकर संक्रांति का पहला पर्व स्नान, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सुबह से ही लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और आज मकर संक्रांति का दिन है, इस दिन कहा जाता है गंगा स्नान से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए लोग सुबह उठते ही गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की आज उम्मीद लगाई जा रही है। कुंभ के ट्रायल के रूप में भी इस स्नान को देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, कुंभ वर्ष में ये पहला स्नान है और आज के दिन लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के बाद जैसे कि कुंभ की सारी व्यवस्थाओं में अटकली चल रही थी, उसके बावजूद प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं अच्छी तैयारी करी है। इसके बाद आज कुंभ पर्व में पहला स्नान है मकर संक्रांति का, और आज की व्यवस्थाएं भी काफी चुस्त दुरुस्त है और सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड के कारण कह सकते हैं कुछ खासी भीड़ अभी तक नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है उम्मीद है कि इसमें भीड़ और भी बढ़ सकती है। करण, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज काफी श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी और अन्य फोर्सेस का भी जो है कि यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही एसओपी में ये भी जारी किया गया कि जो भी बॉर्डर से आएगा उसका थर्मल स्कैनिंग रहेगी। साथ ही होटलों में भी ये पूरा ध्यान रखा जाएगा कि साफ सफाई व्यवस्था है, जो भी आ रहा है हरिद्वार में उसकी जो है कि स्वास्थ्य को लेकर भी काफी तैयारी है प्रशासन की। सुबह से जिलाधिकारी और आईजी मेला, अन्य अधिकारी सभी हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चल रही है फिलहाल। करण, श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हो पाई, क्योंकि कोरोना काल में लोग हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे और ये नए साल का पहला स्नान भी है और आज के दिन काफी श्रद्धालु यहाँ पहुंच सकते हैं, श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हो पाई, क्या कुछ उनका कहना था? देखिए, श्रद्धालुओं में एक अलग ही तरह का उत्साह है, वो कोरोना को एक तरह से कह सकते हैं कि भूलना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद कुंभ स्नान उनके लिए महत्वपूर्ण है और धर्म कर्म की बात है तो सभी श्रद्धालु कुंभ के स्नान को लेकर, कुंभ पर्व में स्नान को लेकर काफी उत्सुक थे और काफी खुश थे। जी करण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मेला और जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो कड़े इंतजाम किए गए और कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोग काफी टाइम से स्नान नहीं कर पा रहे थे और मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो काफी अहम माना जाता है। कहते हैं आज के दिन स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, तड़के सूरज उगने से पहले ही लोग स्नान करने चले जाते हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं,
और आज काफी बड़ी तादाद में हरिद्वार श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर के इंतजाम कर लिए गए हैं। चेकिंग को लेकर के हर एक इंतजाम किए गए कोरोना काल के बाद, और कहा जाए नए साल का ये पहला स्नान है जिसमें इतने श्रद्धालु एक साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की उम्मीद जताई जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि कुंभ के ट्रायल के रूप में इस स्नान को हम देख सकते हैं। और देश भर में 16 जनवरी से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इससे पहले देश भर में कोरोना वैक्सीन पहचान का काम युद्ध स्तर पर जारी है और सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन अब तक देश के कई शहरों में पहुंचाए जा चुके हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसकी शुरुआत लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल से शुरू होगी। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी 16 जनवरी से ही वैक्सीनेशन का आगाज होगा। और कोविड 19 वैक्सीनेशन को चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। डोईवाला में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। जॉली ग्रांड एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा में देहरादून सीएमओ ऑफिस वैक्सीन को भेजा गया। 16 जनवरी को राज्य के सभी 13 जिलों के टीकाकरण होना है। स्टेट कोऑर्डिनेटर कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि आज 1,13,000 डोज वैक्सीन पहुँची है। और खबर देहरादून से, जहां कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया। दरअसल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज उत्तराखंड पहुंच चुकी है। देहरादून के सीएमओ कार्यालय में सभी वैक्सीन को सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 16 जनवरी से उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इनिशियली हम लोग 41 साइट्स पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और इन सभी 41 साइट्स का वेबकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हमारा इसके बाद फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैक्सीन जो हमने दिए हैं जनपदों को, जनपद फिर अपना 16 के बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। वैक्सीनेशन के बारे में पूरा बता दिया कि वैक्सीन हमारे पास प्राप्त हुई है एंड राज्य सरकार की ये भी बताना चाहूंगा जो पहले भी हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको कि हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। चेहरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग छेड़ दी है। दरअसल आगामी चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर उनके द्वारा किए गए ट्वीट यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अपनी ही पार्टी पर उन्होंने कहीं ना कहीं उंगलियां खड़ी कर दी हैं। इस पर सत्ता में मौजूद बीजेपी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें हरीश रावत ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हरीश रावत हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, उनका आशीर्वाद कांग्रेस को हमेशा चाहिए है। तो सीएम पद को लेकर घमासान जारी है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर उत्तराखंड की सियासत को गर्मा दिया है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, उनके प्रभारी क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर के उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और उनको सुर्खियों में बने रहने की आदत सी हो गई है, इसलिए जब भी आप देखेंगे सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। कभी वो किसी नेता के ऊपर कुछ लिखते हैं अपनी पार्टी के, कभी वो अपनी ही पार्टी के सरकार जब चल रही होती है उसके लिए हर की पैड़ी पर प्रदर्शन करने चले जाते हैं। इल्ज़ाम पर हमको कुछ नहीं कहना और ना हमें उनके इल्ज़ाम पर परवाह है। जहाँ तक चेहरे का सवाल है, देखिए पार्टी में जो हमारे प्रभारी होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि होते हैं, वो सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं, हाई कमान के प्रतिनिधि हैं और उनकी जो बात कही भी होती है वो आखिरी बात होती है, इट इज़ द लास्ट वर्ड।
उसमें कोई भी अगर संशोधन होना होता है तो CWC कर सकती है, सोनिया जी कर सकती हैं, हाईकमान कर सकता है, प्रीतम सिंह जी या हम लोग तो नहीं कर सकते। रुद्रप्रयाग से यहाँ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की और पुलिस कर्मियों की समस्या भी सुनी। साथ ही कहा कि चोपता तुंगनाथ पैदल ट्रैक काफी विकसित हो गया है और यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक और यात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस चौकी खुलने से बेहतर सुविधाएं मिलेगी। वह जिला मुख्यालय और चोपता समेत करीब 80 गांव पुलिस क्षेत्र से जुड़ सकेंगे। आपको कहा है कि वो विक्टिम ओरिएंटेड बने, लोगों के साथ मिलकर पुलिसिंग करें, पुलिस संवेदनशील बने, पुलिस जवाबदेह बने, पुलिस की व्यवस्था पारदर्शी हो, ये सारा मेरा प्रयास है। और आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर सितारगंज से, जहां पर पूर्व दर्ज राज्य मंत्री हसनैन मलिक और संक्रांति का पावन पर्व है, मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति का यह पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में भी इसकी मान्यता है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार दान आदि की क्रियाओं को संपन्न भी करता है। गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को देश के अंदर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है और इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में भी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पे किया जा रहा है।
इस अवसर पे संगम तट पर प्रयागराज में और जहां भी पवित्र नदी सरोवर हैं उन सभी जगहों पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन स्नान आदि करके इस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां पर श्रद्धालुजनों के लिए पूरी सुविधा और व्यवस्थाएं यहां पर पहले से ही तय की गई हैं। उसमें मंदिर प्रशासन की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था है जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। और मकर संक्रांति का यह पर्व हम आनंददायक रूप से मना सकें। ये जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व तो है ही, ये बहुत सारे स्थानों पर किसानों की उमंग और उत्साह का पर्व भी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी का दान इस अवसर पर चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है वह जब अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खेतों से अन्न उत्पन्न करता है तो त्वदीय मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पय के भाव के साथ अपने इष्ट को भी उसका दान स्वरूप देता है। दूसरा, खिचड़ी एक सुपाच्य भोज्य भी है। स्वाभाविक रूप से इस भीषण शीतलहरी के समय में जब व्यक्ति के पाचन क्रिया कहीं प्रभावित होती है तो खिचड़ी एक औषधि के रूप में भी वह व्यक्ति ले सकता है। और आज एक कार्यक्रम यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आज आए हुए हैं उन सबको और पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजन और जहाँ कहीं भी मकर संक्रांति के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वह इस पूरी व्यवस्था के साथ अपना सहयोग करेंगे। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विगत दस महीनों से श्रद्धालुजनों को या प्रदेश और देशवासियों को, दुनिया के तमाम देशों में इस सदी की भीषणतम महामारी कोरोना से जूझते हुए मानवता के सामने जो एक संकट खड़ा हुआ था, आज उस संकट से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सफलतापूर्वक उभरा है। प्रदेश में भी कोरोना के केसेज में भारी गिरावट आई है। आज से 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में 68,000 से अधिक एक्टिव केस थे, आज ये संख्या 10,000 से नीचे आ चुकी है। और मकर संक्रांति का उत्सव हमारे लिए उत्साह से कम नहीं कि भारत ने एक साथ 2-2 वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए लॉन्च की हैं और 16 जनवरी से वैक्सीन भी लग रही हैं। लेकिन वैक्सीन एक बचाव का उपाय है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जब तक वैक्सीन को एक्टिवेट होने में समय लगेगा, हर एक नागरिक तक पहुंचने में समय लगेगा, सावधानी और सतर्कता इसके लिए बहुत आवश्यक है। हम मकर संक्रांति के इस आयोजन के साथ सहभागी बने, इस आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें क्योंकि कोरोना से देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने और सफलतापूर्वक इस आयोजन को संपन्न करने में हमें तभी सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति के उस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि मकर संक्रांति का यह आयोजन उनके जीवन में
एक नया उत्साह और उमंग भरेगा, क्योंकि ये मान्यता है कि मकर संक्रांति से सूर्यदेव उत्तरायण भी होते हैं। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह एक प्रशस्त और शुभ तिथि मानी जाती है मांगलिक कार्यक्रमों के लिए। हर प्रकार के मांगलिक कार्य अब शुरू हो जाएंगे, तो ये उस मान्यता के अनुरूप आज की तिथि एक नए उत्साह और उमंग के साथ, कई प्रकार की खुशखबरियों के साथ देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए है। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूँ।